दिल सावल यार वे। काजी साहब, शरा के मुताबिक निकाह की तैयारी कीजिए। तुम पागल तो नहीं हो गए? ये सब कुछ क्या हो रहा है? कौन है ये लोग? तुम्हें अपने घर की इज्जत मना रहा हूँ जोहरा। इज्जत से तुमसे निकाह करके तुम्हें अपने घर लेके जा रहा हूँ। क्या गलत है इसमें? तुमसे किसने कहा कि मैं तुमसे निकाह करना चाहती? निकाह तो लोगों की मर्जी के साथ होता है और तुम मुझे यहाँ। काजी साहब, माजरा चाहता हूँ, आप थोड़ी देर के लिए साथ वाले कमरे में जा सकते हैं? मुझे मेरी होने वाली बीवी से कुछ बात करनी है, पर निकाह आज ही होगा इंशाल्लाह। काजी साहब, आप आए मेरे साथ। शरामी है, निकाह की कबूलियत के लिए लड़की का राजी होना भी उतना ही जरूरी है। शाजी, ध्यान कीजिए। भाई ध्यान से। तुम मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़कर आओ। तुम मेरी अन्ना को नहीं जानते हो, वो तूफान क्या कर देंगी? जो तूफान आना था वो तो कब से आ चुका है। सारी कश्तियां जला दी मैंने, वापसी का कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। हो रहा चंदा को तो देख, आवाजें दे दे के थक गई, कहां रह गई? जी अन्ना जी, आपने बुलाया? हाँ, दिन ढलने को आ गया चंदा, जोहरा भी तक नहीं आई। मेरा दिल घबरा रहा है। इजाजत तो मैंने सिर्फ 2 घंटे के लिए दी थी उस लड़के को। जोहरा आती होगी अन्ना जी, आप परेशान ना हो। अन्ना जी वैसे एक बात बोलूं, हमारी जोहरा दिल से राजी नहीं थी उस मूसा के साथ जाने के लिए। अच्छा, फोन तो लगा सर, पता तो कर कहाँ है। लगाया था मैंने फोन, रापता नहीं हो पाया उससे। आप उस नामुराद से पूछे ना, उसी ने गारंटी दी थी उस मूसा की, उसे पता होगा कि वो लोग कहाँ गए हैं। बुलाया उस मुए को भी, पता नहीं कौन सी मनहूस खड़ी थी जो मैंने उस लड़के के साथ अपनी जोहरा को भेजा। आइंदा मैं किसी जुनूनी के साथ अपनी जोहरा को नहीं जाने दूंगी। एक दफा खैर से आज कभी नहीं जाने दूंगी। कहाँ है तेरा दोस्त? कहाँ है हमारी जोहरा? जोहरा वापस नहीं आई। आज मूसा और जोहरा का निकाह है। तो ये है तुम्हारी हकीकत। शक्ल से तो इतने मासूम और दीनदार नजर आते हो, और अंदर से तुम ऐसे हो, इतने चालाक। शुक्र है मैंने फिर एक बार मर्द को पहचानने में कोई गलती नहीं की, क्योंकि तुम सब एक जैसे होते हो, कोई फरिश्ते की शक्ल में तो कोई शैतान की शक्ल। तुम लोग सिर्फ डाका डालना चाहते हो। अगर डाका डालना होता तो तुम्हें निकाह की पेशकश नहीं करता मूसा। तो मैं अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं जोहरा, सरेआम अपनाना चाहता हूं। ये छुप छुप कर मिलना मेरी मोहब्बत की तौहीन है। तो ये है तुम्हारी मोहब्बत। तुमसे किसने कह दिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं? तुम भूल रहे हो कि शायद तुम मुझे यहां उठाकर लेकर आए हो, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। तुम ये क्यों नहीं कहते, सारे जमाने की तरह तुम्हारा भी वही गर्ज है। बार बार एक बात क्यों दोहराते हो तुम? समझ नहीं आती क्या तुम्हें? जोहरा तुम्हें इस जिल्लत भरी जिंदगी से निकालना चाहता है मूसा, तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूं। पता है मुझे, तुम्हें भी पता है कि दुनिया की कोई भी औरत इस जिल्लत भरी जिंदगी में नहीं रहना चाहती, तो फिर तुम क्यों? दुनिया की हर औरत को पसंद है कि वो इज्जत की जिंदगी जिए, इज्जतदार घर में रहे, तो फिर तुम्हें क्या है?
आ गया ना फिर वही अना का गुरूर, इज्जतदार होने का भरम। ये मेरी जिंदगी है जिसके साथ चाहूं जैसे चाहूं मैं गुजारूंगी। तुम्हारी इज्जत की भीख मुझे नहीं चाहिए। तो मैं अपना ना चाहता हूं तुम्हें। क्या हुआ है मुझे? कोई कमी है क्या मुझमें? कोई बुराई है मुझमें? मेरी मोहब्बत में कोई बुराई है तो बताओ, बोलो। बस शर्तों पे नहीं की जाती मोहब्बत में जो जहां है जैसे उसे वैसे ही कबूल किया जाता है। हाँ। और ये कैसी मोहब्बत हुई कि तुम मुझे बदल देना चाहते हो? तुम्हें अगर इतनी हिम्मत होती ना तो तुम मुझे सारे जमाने के सामने इसी हालत में ऐसे ही कबूल करते। तुम ना ये कभी नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारी ये मोहब्बत नहीं सिर्फ अना है पर मुझे तुम जैसे मुनाफिकों से शदीद नफरत है। मुनाफिक कह दिया तुमने मुझे? क्या मुनाफिकत की है मैंने? इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया मूसा पर, मुनाफिक कह दिया? ये मुनाफिकत नहीं तो और क्या है? तुम सारे जमाने से छुप कर मुझसे निकाह करना चाहते हो कि निकाह के लिए दोनों की रजामंदी की जरूरत होती है। अगर तुम में इतनी हिम्मत है और मोहब्बत करने का दावा करते हो तो अपने बड़ों को कहो कि इज्जत के साथ मेरे घर रिश्ता लेकर, फिर मांगूंगी मैं तुम्हें। चलो ले चले से। देखना मुराद, तेरे पास आखिरी मौका, अभी भी फूटते मेरी जोहरा को कहां छुपाया तूने? शायद मुझे तेरी हालत में कुछ रहम आ जाए। हल हालात ले जाके तेरी वो दुर्गत बनाएंगे कि तू याद करेगा, खाल खींच लेगा तेरी। खुदा का शुक्र अदा करें अन्ना जी, तुम्हारी बेटी को सच्चा आशिक मूसा से बड़ा कदरदान तुम्हारी बेटी को इस दुनिया में कहीं मिलेगा नहीं। बहुत प्यार और मोहब्बत देगा तुम्हारी बेटी को, और मैंने तुम्हारी बेटी को मूसा के साथ भेजकर कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया। इसके बावजूद तुम मुझे जो सजा देना चाहती हो मुझे कबूल है। मेरी तरफ से इसे जहन्नुम में फेंक दे सच्चे साहब। चल बे ओ शायर, तेरी तो सारी मस्ती आज मैं निकालूंगा। एक ही रात में तेरी सारी शायरी और राशकी ना झड़ दूं तो मेरा नाम भी थानेदार माशूक अली नहीं। वाह 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 माशूक अली साहब, नाम आपका माशूक अली, आशिकों वाला नाम। अंदर से आप पक्के पुलिस वाले, मेरी तरह इश्क ना सही, थोड़ी सी इश्क की मुआमनत कर लें मेरे दोस्त की खातिर, खुदा की कसम सीधा जन्नत में जाएंगे। ये चलो इसे और इसकी इतनी मरम्मत करो कि सारी शायरी भूल जाए सुबह तक। ये जाओ इसे। अन्ना जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बहुत ऊपर से फोन आया था मुझे आपके इस मसले के हल करने के। उस लड़के को हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे। उस लड़के के घर वाले बड़े असर रसूख वाले हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वो लड़का अपने घर नहीं गया होगा। हम उसका सिरा ढूंढ निकालेंगे। अभी मैं चलता हूँ और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको अच्छी खबर दूंगा। आप जो मर्जी करें सोचो साहब, बहुत जुनूनी है वो लड़का है सोचो साहब। फौरन से पेशतर उसके घर पे छापा मारे, मुझे डर है वो मेरी जोरा को कोई नुकसान ना पहुंचा दे। आप जो करना है बस जल्दी करें खुदा के वास्ते। मैं आपको बहुत जल्द अच्छी खबर सुनाऊंगा। खुदा हाफिज। चंदा मगर तुमने तो मुझसे कुछ और कहा था, तुमने कहा था तुम किसी और लड़के को पसंद नहीं करती। हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। ना तो मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और ना तुम्हारे इस जुनून को मोहब्बत समझती हूँ। मोहब्बत महबूब को बदलने का नाम नहीं है, मोहब्बत में महबूब जैसा बन जाने का मुकाम होता है। तुम मेरी दुनिया को कमतर समझते हो ना, मुझे ये बर्तरी का सौदा कबूल नहीं है। सौदा लगता है तुम्हें ये?
कमतरी बालातरी का सौदा, कुछ और दिखाई नहीं देता ना मैं। मेरा इश्क, मेरी मोहब्बत, मेरी दीवानगी, मेरा जुनून दिखाई नहीं देता। सौदा नहीं तो और क्या है? अगर ये सौदा नहीं होता ना, तुम अपने ऊंचे खानदान, इज्जतदार खानदान की सीढ़ी से उतर के मेरी दुनिया में आकर मेरा दिल जीतने की कोशिश करते। मोहब्बत में नेक नामी बदनामी, ऊंची जात नीची जात का डर नहीं होता कभी भी। शर्त तो तुम भी रखती हो, अगर मैं तुमसे इज्जत नेक नामी का सौदा करना चाहता हूँ तो बदले में तुम भी बदनामी और रुसवाई की आजमाइश से गुजारना चाहती हो। मुझे सौदागर तो तुम भी हो ज़ोरा, क्या फर्क है तुम्हें और मुझ में? फर्क है, तुमसे मोहब्बत नहीं करती, मुझसे मोहब्बत करने का दावा ना तुम करते हो। तुम्हें अपने आप को साबित करना है कि तुम सच्चे हो। ये बात सच, किस वक्त मैं तुम्हारे कब्जे में हूं, तुम जो चाहे कर सकते हो, मैं मजबूर हूं। लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत को, जुनून को तब मानूंगी जब तुम हर चीज का फैसला मेरे हाथों में सौंप दोगे। बोल, कर सकते हो ये? इतनी हिम्मत है तुम्हें? आप होश में तो ऐसे जो साहब, पीर कुदरतुल्ला शाह के घर में खड़े होकर उसी के खानदान पे इल्जाम लगा रहे हैं, और वो भी एक बाजारी औरत की शिकायत पे। माजरा चाहता हूं पीर साहब, मगर बात सिर्फ उस औरत की शिकायत की नहीं है, बहुत ऊपर से ऑर्डर आए हैं। मैंने सोचा पहले आपसे मिल लूं और फिर आपके बेटे मूसा का बयान ले। क्या वो घर पर है? मूसा तो घर पर नहीं है, आप कहते हैं तो मैं बुलवा देता हूं। सुबह दोनों भाई मुझसे इजाजत लेके घर से किसी काम के लिए निकले थे। फिर साहब, मैं सुबह तक तो पर्चा रोक सकता हूं, मगर सूरज निकलने से पहले आपका बेटा मूसा उस लड़की को खुद उसके घर पर जाकर छोड़ दे तो बेहतर, वरना बात मेरे हाथ से भी निकल जाएगी और फिर कल सारा मीडिया चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहा होगा कि काशाना पीरा का वारिस और सपूत मूसा लड़की के अगवा में मुलव्वस है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप खुद उसे तलाश करें और इस मामले को जितना जल्द हो सके हल करें। मुझे आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। चलिए। एसएचओ साहब, अगर तलाशी के दौरान मूसा और वो लड़की आपके सामने आ जाए तो आपका हाथ मेरे ताल्लुकदारी की वजह से बहकना नहीं चाहिए। अगर मूसा रेजिस्ट करे तो गोली उसके सीने के पार उतरनी चाहिए। मैं आपसे कोई गिला नहीं करूंगा। चलिए। भाई मूसा भाई, भाई बहुत देर हो गई है, काजी साहब और गवाह भी परेशान हो रहे हैं, उन्हें घर जाना है, रात ढल रही है। क्या कहा तुमने? मैं कह रहा हूं कि निकाह कब होगा, बहुत देर हो गई है भाई। निकाह नहीं होगा ऐसा, तुम जा, काजी साहब और मेहमानों को घर छोड़ा इज्जत से। क्या
निकाह नहीं होगा। मगर भाई, मैंने कहा ना तुमसे, काजी साहब को घर छोड़ा और अदायगी कर देना। एक बार फिर सोच लो भाई, ये निकाह अगर आज ना हुआ तो फिर शायद कभी ना हो। तुम भूल रहे हो कि तुम सारी कश्तियां चलाकर आ गए हो और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। हाँ जानता हूं, पर किसी ने सौदागर होने का ताना दिया है मुझे ईसा, और तुम तो जानते हो ना अपने भाई को, जज्बों में सौदा नहीं करता मूसा। एक बार फिर सोच लो भाई, क्योंकि सोच क्या, फैसला भी कर लिया, नहीं होगा निकाह, तुम जाओ। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूं। मुझे जाने दे रहे? हाँ चलो। अन्ना, अन्ना, जोरा, सच्ची जोरा आ गई। जोरा, मेरी बच्ची, जोरा, मेरी हमारी बच्ची कहाँ रह गई थी? कैसी हमारी बच्ची है? कैसी है तू? इधर आ मेरे पास बैठ। क्या हुआ? कहाँ ले गया था तुझे? किसी ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं? एक एक को देख लेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। उस नामुराद के तो चीथड़े और मार देंगे। जब तक आपकी अन्ना जिंदा, कुछ नहीं होने देंगे हम अपनी बच्ची को। भाई कहां रह गए थे तुम? मैं इतना घबरा गया था कि कहीं उसके घर वालों ने पुलिस तो नहीं बुला ली। पुलिस वालों को बुला भी ले तो क्या फर्क पड़ता? मैं कौन सा आजाद? भाई मेरी बात सुनो, अब्बा शदीद गुस्से में, अब्बा को सब पता चल गया। उधर तो पुलिस आई नहीं लेकिन इधर दो बार आ चुकी है। भाई तुम प्लीज चले जाओ, तुम अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ। अब्बा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। अभी प्लीज यहाँ से चले जाओ भाई, प्लीज। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये मकाम तो आना था हम पर। अच्छा है आज ही फैसला हो जाए, चला जाओ। भाई नहीं, भाई तुम समझ क्यों नहीं रहे? भाई आ गया तुम्हारा होनहार बेटा, तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। जाओ ना हाजरा, जाकर वो हार लेके आओ जो इसके गले में पहनाने के लिए खरीदा है तुमने। इतना बड़ा चांद चढ़ा कर आया है तुम्हारा नाखल्फ बेटा। शाहजी रात बहुत हो रही है, सुबह में बात कर लेंगे। नहीं, सुबह नहीं, अभी इसी वक्त यहां पे बात होगी सबके सामने। कहां से आ रहे हो तुम? जरूरी काम से। मैं जान सकता हूं कि वो जरूरी काम क्या था? वही जिसके लिए पुलिस सारे शहर में छापे मारती फिर रही है तुम्हारे लिए, और आज पहली बार इस घर की दहलीज पार की है वर्दी वालों ने।
डूब मरना चाहिए शर्म से तुम्हें। अरे मैं ये दिन देखने के लिए जिंदा ही क्यों रहा? वीर जी, जवान औलाद है, गलती होगी। मैं यकीन दिलाती हूँ आइंदा से गलती नहीं करेगा मूसा। मूसा चल अपने बाप से माफी मांग। पीर, कुदरतुल्ला शाह का बेटा एक तवायफ के इश्क में फंस गया है। लानत है तुम पर, लानत है ऐसे बेटे पर जो अपने खानदान के नामूस की इज्जत पे धब्बा लगाकर हम सब के चेहरों पे कालक मल दिए। कालक सब सब हंस रहे हैं मेरी मेरी तरबियत पर, थू थू कर रहे हैं तुम्हारे इस लाडले नखर बेटे पर। ए, कहाँ है वो लड़की? घर पे अपने। ओ, तो तुम उसके साथ रात नहीं गुजारोगे? अरे अभी तो सुबह होने में बहुत देर है, इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? शाहजी, कोई गलतफहमी होगी होगी, आप पता तो करवा लें उन लोगों से। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। इसको कहो कि अपने नापाक कदम इस घर से बाहर ले जाए। ईशा, इसे थाने ले जाओ और उस थानेदार के हवाले करके आओ जो भी थोड़ी देर पहले इसको ढूंढता हुआ यहां आया था, और उससे कहना कि आज के बाद हमारे खानदान से इसका कोई रिश्ता नहीं है। और हां, अगर सजा फांसी से कम हुई तो मैं उसे सजा नहीं समझूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं पीर जी? हमारा बेटा है, कह तो रहा है कि लड़की अपने घर पहुंच गई है, फिर आपने अदालत क्यों लगाई हुई है? क्यों? अदालत तो उस रोज भी लगी थी जब मैं किसी गैर खानदान के लड़के से शादी करना चाहती थी, तब यही इसी घर में मुझे संसार करने की सजा सुनाई गई थी। मैं तो फिर भी किसी शरीफ और नसल खानदान के लड़के से रिश्ता जोड़ना चाहती थी, मगर ये आपका बेटा, इसने तो बदनामी की हद ही पार कर दी। खुदा के लिए तुम चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो बस। आज मैं चुप नहीं रहूंगी अम्मा, आज मैं ताया जान का इंसाफ देखना चाहती। अगर मेरा जुर्म बड़ा था तो मूसा भाई का जुर्म उससे कहीं ज्यादा संगीन, तो क्या उन्हें सजा नहीं सुनाई जाएगी? क्या आपका इंसाफ इसलिए चुप हो जाएगा क्योंकि मैं एक यतीम बेसहारा लड़की थी और आज आपके सामने आपका बेटा खड़ा है, आपका वारिस? खुदा के लिए सकीना, चुप हो जाओ, मत बोलो। पानी पिले शाबाश। ये तुम क्या कह रहे हो जोरा? वो तुम्हें खुद यहाँ छोड़कर गया है, मगर अन्ना ने तो उसके खिलाफ पर्चा कटवा दिया है और पुलिस उसके दोस्त नामुराद को उठाकर ले जा चुकी है। अब तक तो मार मार कर बहुत बुरा असर कर दिया होगा उसका। और तुम कह रही हो कि? हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, वो मुझे यहाँ खुद छोड़ के गया है। अब उसके खिलाफ कोई पर्चा कटवाने की हमें कोई जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? बिल्कुल जरूरत है। अरे वो तो निरा दीवाना लड़का है, कल कल आपको ऐसी कोई और हरकत कर दी तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें तो जब तक कोई पक्की जमानत नहीं मिलेगी हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपको उसकी जमानत मैं देती हूँ। वो मुझसे निकाह करना चाहता था, मैंने उसे निकाह करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा तुम्हें निकाह करना है तो मेरे घर आओ अपने घर वालों को लेकर। और अन्ना जी आप भी ये बात जानती हैं कि दुनिया में तो उसके घर वाले हमारे घर कभी नहीं आएंगे। बोले ना ताया जान,
सैयदों की लड़की खता कर दे तो फट से सजा सुनाई जाती, और अगर उनका लड़का अपनी हदें पार कर दे तो क्या उसे बख्श दिया जाएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। हरगिज नहीं। मेरे असूल अटल है और मेरा कानून सबके लिए बराबर है। मैं आज ही इसी वक्त मूसा को अपने खानदान की गद्दी और जानशीनी से आग करता हूं। आज के बाद ईसा सैयद खानदान का असल वारिस और जानशीन होगा। कि आप क्या कह रहे पीर साहब, इतना जुल्म मत करें, ये आप ही का बेटा। बस जो फैसला कर दिया वो कर लिया। मेरे ख्याल से तो अभी भी इंसाफ नहीं है। मूसा भाई ने खानदान की इज्जत पे जो तमाचा मारा है उसका हिसाब कौन देगा? अभी यही इसी वक्त उसका हिसाब भी अभी हो जाएगा। ईसा, मूसा के मुंह पर उसी तरह तमाचा मारो जिस तरह इसने हमारे खानदान की इज्जत पे तमाचा मारा है। मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। आगे बढ़ो ईसा, ये मेरा हुक्म है। नहीं अब्बा, आप बेशक मुझे सजा दे दें लेकिन मैं भाई पर हाथ नहीं उठा सकता। मेरे जुर्म की मूसा भाई ने मुझे सजा दी तो इनको सजा देने का हक मेरा है। क्या बकवास कर रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ ये सब? ठीक है, इजाजत है तुम्हें। वो थप्पड़ लौटा रहे हैं जब कभी आपने मेरी रूह पे जमाट की तरह मारा था। दर्द को महसूस कीजिए। अगर तुम में जरा भी शर्म हया बाकी है तो ये तमांचा सारी उम्र याद रहेगा तुम्हें। किससे मैं कि क्या है, शबे गम बुरी बला है, मुझे क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। चल भाई नामुराद, तेरी जमानत हो गई है, अब तू आजाद है।
क्या बात है संतरी बादशाह, मैं तो समझा था यहां से मर के निकलेंगे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आपके बेटे ने बहुत अकलमंदी की शाह साहब कि उस लड़की को उसके ठिकाने पर छोड़कर आ गया। यकीनन आपने ही उस पर दबाव डाला होगा, वरना बात बहुत बिगड़ जाती है। हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आप चाहें तो उसे गिरफ्तार करके ले जा सकते हैं, मैं बुलवाता हूं उसे। नहीं शाह साहब, अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। लड़की वालों ने अपना केस वापस ले लिया है और मूसा के दोस्त की जमानत भी हो गई है। वापस ले लिया है, मगर कैसे? शाह साहब, उनको अपनी बेटी से गर्ज थी। रही बात देर सवेर और रात को देर तक आने की, तो इन जैसे लोगों के लिए बहुत मामूली सी बात थी। अब उनकी बेटी घर आ गई है, इसलिए अब उनको इन मसलों से कोई लेना देना नहीं। हाँ, अलबत्ता मूसा की जमानत बड़ी भारी रखी ताकि वो आइंदा उससे तंग ना हो। शाहजी, ऐसे लोगों की पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। शुक्र करें कि आपके बेटे की जान बहुत सस्ते में छूट। बस यही खबर देने आया था मैं, आप इजाजत चाहता हूं। तो तुम मुझ पे क्यों बिगड़ रहे हो? यही बात जाके ताया जान से कहो ना। सजा तो उन्होंने सुनाई थी, मैंने सिर्फ उनकी बात पे अमल किया था। अब मैं बड़ों की बात ना सुनती तो भी तुम मुझे ही बातें सुनाते। अच्छी तरह जानता हूं तुम कितनी फरमाबरदार और ताबेदार हो अब्बा जान की। तुम्हारे दिल में मूसा भाई के लिए पहले दिन से बुग़्ज़ था, और कल तुमने अपने उस बुग़्ज़ और छोटेपन का इजहार किया सबके सामने। काश के मूसा भाई पर हाथ उठाने से पहले तुम्हारे ये हाथ टूट जाते। ख्वाहिश तो अच्छी है तुम्हारी, मगर क्या है ना, कुदरत हमारी ख्वाहिशात के आगे अपने फैसले सादर करती है। वरना मैं तुम्हारी बीवी बनके इस कैद खाने में ना रह रही होती। शदीद नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे इस बाज़ाहिरे मासूम नजर आने वाले चेहरे से, और अफसोस हो रहा है कि मैंने तुमसे दिल लगाया। अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, चाहो तो अपनी गलती सुधार सकते। वो बहुत मशहूर मुहावरा है ना, खुदा ने फिरौन के लिए मूसा को पैदा किया, उसको उल्टा कर लो। समझो कि मूसा भाई के लिए खुदा ने मुझे फिरौन बना के भेजा है। जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं उसे कभी बसने नहीं दूंगी, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं तुम मूसा भाई से इंतकाम ले रही हो, लेकिन एक बात तुम नहीं जानते कि कल जिसके गाल पर तुमने थप्पड़ मारा ना, वो मूसा नहीं, वो कोई और है। जिस मूसा को तुम और मैं जानते थे वो तो कब का फना हो चुका है, पर अगर तुम इस शख्स को जान जाओ तो तुम वही चांटा अपने गाल पर मारोगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ऐसा दिन जरूर आएगा जब यही चांटा तुम्हारी रूह पर पड़ेगा, और मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा। ये मेरे हिस्से के जख्म और नील है मुराद, तेरे चेहरे और तेरे जिस्म पे देख के दुख हुआ मुझे। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ यार, मैं गुनहगार हूँ तेरा, माफ कर दे मुझे। क्यों शर्मिंदा करना है शादी, जख्म नहीं है ये,
यार की यारी के तमगे हैं और यार की यारी के लिए नामुराद की जान भी कुर्बान। लेकिन तूने क्या किया? लड़की तेरे कब्जे में थी, बगैर इनाम के उसे जाने दिया। क्यों? अब उसकी मां कभी भी उसे तेरे काबू में नहीं आने दी। तेरी राह में रोड़े अटकाए, क्यों जाने दिया उसे? इश्क किसी पैरे से डरा है मुराद? किसी रुकावट से कब रुका है बना? हाँ, अगर इश्क एक तरफा हो ना तो खुद ही अपने आप के लिए रुकावट बन जाता है। ना मुराद वो तेरे यार मूसा से इश्क नहीं करती। मुझे उसे अपने इश्क की सच्चाई का यकीन दिलाना है और उसके लिए उसने बड़ी कड़ी शर्त रखती है। जब तक अपनी शर्त पूरी नहीं करूंगा उस पर अपना हक नहीं जताऊंगा। जानता है क्या कहती है वो? मुझसे कहती है मोहब्बत में जबरदस्ती वो करते हैं जिन्हें जिस्म पाना होता है, अगर रूह का वस्त्र चाहिए तो दिल जीतना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा कि दरिया सैर करना पड़ेगा मेरे नाम रात। तू इस दुनिया का नहीं है शादी, तेरे सच्चे जज्बों की यहां कोई कदर नहीं करेगा। झूठों की दुनिया है, झूठ बेईमानी और मुनाफिकत का कारोबार होता है यहां। तेरे सच्चे इश्क का सिक्का खोटा ही रहेगा इस बाजार। कौन सुनेगा तेरी दास्तां? कौन मानेगा तेरे जज्बों की सच्चाई को? काश उस लड़की को ये दिखाई दे जाता तो उसे पता चल जाता कि उसने वापस जाकर कितनी बड़ी गलती की। अगर मेरा इश्क सच्चा है ना मुराद, तो जीत जाऊंगा उसका दिल, पर अगर खुदा ना खास्ता कहीं हार गया तो समझ जाऊंगा कि मेरे इश्क में कमी है। तो बस दुआ कर रहा मेरे लिए यार, उसने बड़ा बेचैन कर दिया है मुझे, मेरे अंदर आग लगा दी है। मैं तकलीफ में हूं, दुआ कर। दिया बिल सावल यारी।